अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। महफिल मुशायरा बसिलसिला सातवीं सालगिरह अंजुमन फरोग अदब की तरफ से एक शानदार महफिल मुशायरा सजाई गई, जिसमें सालगिरह का केक भी काटा गया और मेहमान खास सैयद यार शाह और प्रिंसिपल मंजूर अहमद इब्रानी साहब और दीगर मोतबरीन शख्सियात भी शामिल हुई और दूर दराज से आए हुए मेहमानों ने भी महफिल मुशायरे में शिरकत की। सकरंड हाई स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में सुपर इंग्लिश कोचिंग सेंटर की जानिब से सकाफती दिन मनाया गया। इस मौके पर सकरंड प्रेस क्लब के सदर सीनियर सहाफी अदीब उस्ताद मोहम्मद सिद्दीक ने अपने खिताब में कहा, सिंध वतन है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, वतन नबियों और परिंदों को भी प्यारा है, वतन से मोहब्बत फितरी जज्बा है। तकरीब में प्राइमरी एसोसिएशन के साबिक सदर गुलाम नबी ने खिताब करते हुए कहा, इन अदीबों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने अल्फाज के जरिए अपने आंसुओं से मजलूमों के लिए लिखा है। खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने के फैसले के खिलाफ धरना सुई कश्मोर रोड पर पाकिस्तान हाउस सुई के जेर एहतमाम दिया। धरने में कबायली अमायदीन और अवाम की एक बड़ी तादाद भी शरीक थी। धरने के बाद सिंध पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद, हर किस्म के ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। धरने के शुरका की जानिब से परवेज मुशर्रफ के हक में शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मीर फतेह अली खान खोसा की कयादत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर अदालत की जानिब से मुल्क का गद्दार करार देने के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली खोसा हाउस से निकाली और मौलवी कादिर बख्श चौक पर जलसा किया गया और मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अदलिया ने गलत फैसला करके मुल्क पर जानों का नजराना पेश करने वाले और मुहिब वतन साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार देकर 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की दिल आजारी की है। आखिर में पाक फौज के शहदा के लिए दुआ मांगी गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर फयाज अहमद का अपनी तायुनाती के बाद बहावल नगर का पहला दौरा। डीपीओ ऑफिस में एसडीपीओज और एसएचओज जिला हजा से क्राइम मीटिंग की। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में पुलिस दरबार का इनेकाद, मीडिया नुमाइंदगान के वफद से तारुफी मीटिंग और अंजुमन ताजरान बहावल नगर के वफद से मुलाकात भी की। डीपीओ कुद्दूस बेग भी हमरा थे। डेरा मुराद जमाली के इलाके में गोट सरदार अब्दुल हमीद खान खोसा ने आशिकाने रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से अजीम उशान इज्तमा जिक्र नात बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ जलसा मुनक्किद किया, जिसके मेहमान खास मोहम्मद शहजाद अतारी थे और मकबूल नात खान फखरुद्दीन अतारी और नजर मोहम्मद अतारी थे। इस मौके पर हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी मोहम्मद शहजाद अतारी ने जलसे के शुरका से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हर मुसलमान को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकायद ओ जहां के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें। उन्होंने मजीद कहा कि नमाज जन्नत की कुंजी है। उन्होंने मजीद जलसे से खुसूसी खिताब करते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातें और आदतें बताई। बाद अज़ा दुआए खैर पड़ी गई और जलसे के शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। ला अब्दुल्ला खान साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के केस से मुतालिक फैसले पर इनायतुल्ला खान का कूजी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इनायतुल्ला खान का कूजी की जानिब से कोटा चमन शाहराह पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे के बाद चमन कोटा शाहराह ब्लॉक हो गई, आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुजाहिरीन ने शुरका की जानिब से जनरल साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में नारेबाजी की। शुरका से कबायली रहनुमा इनायतुल्ला खान का कूजी ने खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी अदालत के फैसले पर पूरी कौम में गम गुस्सा पाया जाता है। 40 साल से ज्यादा मुल्क की खिदमत और मुल्क की दिफा के लिए जंगे लड़ने वाले शख्स को कैसे गद्दार कहा जा सकता है। रैली में कबायली अमायदीन सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।